चलो तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आदर्श ऑनलाइन पे। और आज आपके सामने लेकर आए स्टैंडर्ड 8 के लिए थर्ड पीरियोडिकल असेसमेंट टेस्ट संस्कृत, इंग्लिश मीडियम, इवन गुजराती मीडियम का भी सेम पेपर है। अभी हम जो पेपर देख रहे हैं वो इंग्लिश मीडियम का है, मगर इसके क्वेश्चन दोनों मीडियम में सेम है। इंस्ट्रक्शन में लैंग्वेज का फर्क आएगा, तो आप इसका सोल्यूशन देख पाएंगे कुछ ही मिनट में। लेकिन आपसे पहले ये गुजारिश है, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसे शेयर करें, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं, लेट्स डू नॉट वेस्ट टाइम। क्वेश्चन नंबर 1 में हमको एक पैराग्राफ दिया है, संस्कृत में दिया है, 5 मार्क का वेटेज है। उस पैराग्राफ को रीड करने के बाद हमको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। मैं इसे थोड़ा और जूम कर देता हूं। देखिए ये सवाल है, काकह कीमर्थ भ्रमति, काकह की पश्यति, जलम कुत्र अस्ति, कह संतोषण जलम पीबति। ग्रीष्मकाल का ऑपोजिट लिखना है। तो आपके सामने ये पहले सवाल का जवाब है, तृषित काकह भ्रमति। क्वेश्चन नंबर 2, काकह एक घट पश्यति, जल घटे अस्ति, काकह संतोषण जल पीबति, और जो शीत काल का दिया था उसका ग्रीष्म काल हो जाएगा ये शीत काल का। यू कैन सी इट वेरी क्लियरली, आपको ये बड़े अक्षर में दिख रहा है, और टेक्स्ट बुक में से ढूंढ कर ये क्वेश्चन पेपर लिखा है, उतावल नहीं किए, तो आपके फुल मार्क्स आने की गुंजाइश है। आप इसे अच्छे से अच्छी तरीके से लिख लें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें, तो राइट द नेम ऑफ 5 थिंग्स इन अ क्लासरूम, ये हमको दिया था, और उसका जवाब मैं अभी आपके सामने रख रहा हूं। प्रतिमा, पुस्तकम, उत्पीटिका, श्याम पट्ट यानी ब्लैक बोर्ड, और लेखनी यानी पेंसिल या पेन। ये 5 वर्ड जो है वो आपको क्लासरूम में नजर आते हैं, वो है, आप इसे देख लीजिए। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपको ये क्लियरली नहीं नजर आ रहा है तो अपने वीडियो की जो इमेज क्वालिटी है उसको हाई कर दें। अहम श्लोक लिखामी, अहम जलम आनयामी, राइट द सेंटेंसेस एज शो इन एग्जाम्पल। तो हमको इसमें नाम जो दिए गए उसके मुताबिक लिखना है, जेंडर के मुताबिक। रमेश श्लोक लिखति, सीता जलम आनयाति, रमा नृत्याति। ठीक है, इसके बाद 4th में वृक्षस्य फलम अस्ति एंड नशस्य उपनेत्रम अस्ति। ये 4th और 5th सेंटेंस की हमने यहां पर आंसर लिखी हुई है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में हमको इंग्लिश में सेंटेंसेस दिए, हिंदी गुजराती मीडियम वालों को ये गुजराती में होगा, हिंदी मीडियम वालों को हिंदी में होगा। इसे पहला सेंटेंस था, दिस इज अ फैन, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम रीडिंग, शी इज गीता एंड इट इज एन एलिफेंट। तो हमको ये सारी सेंटेंसेस जो थी उसका ट्रांसलेशन करना था क्वेश्चन नंबर 4 में, तो वो ट्रांसलेशन आपके सामने है। दिस इज फैन के लिए एतत वातायनम, अहम छात्रम अस्मि, अहम पठति, एसह गीता, ते गज। ये 5 मार्क्स का आपका जो था वो कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही शॉर्ट टाइम में हमने इसका सोल्यूशन आपको दे दिया है। प्लीज 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 आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल स्टूडेंट्स, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट। आपके जो भी कमेंट्स है वो लिखे, आपके कमेंट से जो वीडियोज है उसको हाईलाइट मिलती है, तो प्लीज आप अपने कमेंट्स जो है वो दे और लाइक करें। कंप्लीट द फॉलोइंग लाइन्स ऑन द पोएम, ये भी 5 मार्क का वेटेज है इसका भी, तो हम ये पोएम जो है उसको आप कंप्लीट कर लेते हैं। तनुवा मनसा हीतन वरंत, सदा गुरु न अनुगच्छाम, भारत मातु सर्वा सत्कार, देश हितार्थ जीवाम। ये इस पोएम का स्टेंजा है, आप इसे भी लिख लें। और आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ रहे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।